फाइनली स्वागत है एक बार आप सभी का हमारे इस वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जैसे कि भोजपुरी इंडस्ट्री वैसे ही बदनाम है, लेकिन भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे कारण है भोजपुरी इंडस्ट्री को बदनाम होने के लिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सुपरस्टार पावर स्टार के नाम से जाने जाने वाले पवन सिंह को लेकर। जी हाँ, पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मामला तलाक का जो है वो चल रहा है। अभी कोई फाइनल रिजल्ट आया नहीं है, लेकिन सब लोग यही चाहते हैं कि ये दोनों फिर से आपस में सुलह करके और एक साथ हो जाए, लेकिन किसी को भी उम्मीद नहीं है कि ऐसा हो सकता है, क्योंकि पवन सिंह है अपने जीत पर अड़े हुए हैं और ज्योति सिंह जो है वो अपने जीत पर है। लेकिन हाल ही में एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें ज्योति सिंह बहुत सारे ऐसे आरोप लगा रही हैं अक्षरा सिंह पे। पवन सिंह पे तो वैसे भी वो लगाती ही रहती हैं, लेकिन उनका कहीं ना कहीं ये भी कहना है कि पवन सिंह जो है अच्छे सिंगर हैं और उनका गाना जो है मुझे बहुत पसंद आता है, मैं उनके गाने हमेशा शेयर करती रहती हूँ और सुनती रहती हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है। यहाँ तक कि उन्होंने ये भी कहा कि पवन सिंह और अक्षरा सिंह का जो रिश्ता है वो बहुत बेकार रिश्ता है। फिलहाल तो नहीं है, फिलहाल कुछ है नहीं, लेकिन जब था, जब पवन सिंह और ज्योति सिंह की शादी हुई, ऐसा उनका कहना है कि जब हमारी शादी हुई तो अक्षरा सिंह जो थी वो 3 महीने की प्रेग्नेंट थी, ऐसा उन्होंने खुद अपने मुंह से बताया है और इसकी रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास। ऐसा ज्योति सिंह का कहना है कि अक्षरा सिंह ने मुझे बताया था फ़ोन पे। तो इस तरह से ज्योति सिंह ने ये भी कहा है कि शादी के दिन, शादी होने के बाद हम लोग घर आए और घर आने के बाद पवन सिंह उसी दिन अक्षरा सिंह के साथ चले गए, यानी अक्षरा सिंह जहाँ थी वहाँ पर ये गए और मुझसे ये बोलकर गए कि हमारा मुहूर्त है फिल्म का और मैं वहाँ पे जा रहा हूँ। लेकिन वो किसी मुहूर्त में नहीं गए थे, मुझे ये खबर मिली कि वो किसी भी मुहूर्त में नहीं गए थे, वो अक्षरा सिंह के साथ थे। और जो मेरी सास हैं उन्होंने कहा कि तुम फ़ोन करके पूछो कि कहाँ पहुँचा, अभी तक पहुँचा कि नहीं पहुँचा। तो मैंने फ़ोन किया पवन सिंह को, तो फ़ोन किया तो अक्षरा सिंह उठाई, अक्षरा सिंह उठाई और उन्होंने कहा कि वो अभी सो रहे हैं। और फिर उन्होंने जब कहा कि वो सो रहे हैं तो हम लोग आपस में बात करने लगे। बात करते करते अक्षरा सिंह ने बताया कि वो घर वालों के दबाव में आकर आपसे शादी किए हैं और शादी करने के लिए तो कर लिए हैं, लेकिन वो आपसे पत्नी का रिश्ता नहीं रखना चाहते। पति पत्नी का जो भी रिश्ता होता है वो नहीं रखना चाहते क्योंकि वो मुझे अपनी पत्नी मानते हैं, तो शादी तो बस ऐसे ही नाम के लिए हुई है, तो आप ज़्यादा इस चक्कर में मत पड़ना। तो इस तरह से ज्योति सिंह का कहना है। तो इस तरह अक्षरा सिंह के ऊपर बहुत सारे ऐसे इल्ज़ाम लग चुके हैं, ज्योति सिंह ने खुद अपने मुँह से कहा है ये सारी बातें, आप लोग वीडियो में भी देख सकते हैं। तो अब इस बात में कितनी सच्चाई है कितनी नहीं है ये किसी को नहीं पता, अक्षरा सिंह जानती हैं, ज्योति सिंह जानती हैं और पवन सिंह जानते हैं। पवन सिंह ने अभी तक इस बात पर कुछ खुलकर कहा नहीं है, लेकिन इनका जो तलाक का मामला है अभी तक कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। आगे क्या होता है ये तो देखने वाली बात है, समय ही बताएगा कि आखिर क्या होगा। लेकिन क्या आप सब लोगों को ऐसा नहीं लगता कि ज्योति सिंह सरासर झूठ बोल रही हैं? और अगर वो सच बोल रही है तो इसका सबूत भी तो उन्हें लाकर देना चाहिए, आखिर क्या है इसकी सच्चाई? चलिए एक कमेंट कर अपनी राय जरूर दीजिए कि आखिर इस बात में कितनी सच्चाई है कि अक्षरा सिंह जो है, अक्षरा सिंह और पवन सिंह का रिश्ता इस हद तक पहुँच चुका था कि ऐसा कुछ हो गया। तो चलिए कमेंट करिए और हाँ, जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बगल की घंटी को बजा कर जाइए।